दुर्ग में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने एक बार फिर जीत हासिल कर परचम लहराया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं के चेहरे में खुशी दिखी। नगर निगम दुर्ग के कसारेडी वार्ड 42 के पार्षद पद के उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कांता साहू को 647 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते को कुल 1391 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी कांता साहू को कुल 744 मत मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी खिलेश्वरी निलवरकर को मात्र 68 मतों से ही संतोष करना पड़ा, जिसमें 16 मत नोटा में गए, वहीं 29 मत निरस्त किए गए। कुल 4226 मतदाता वाले कसारेडी वार्ड के पार्षद पद के उपचुनाव में 2248 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि मतगणना को लेकर जेआरडी स्कूल के टैगोर हॉल में की गई, जिसमें 5 चरणों में वोटों की गिनती की गई। वहीं जीत की घोषणा के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते को निर्वाचित घोषित किया गया और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते के शानदार जीत से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल के बाहर जोरदार जश्न मनाया। फटाखे फोड़े और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की खुशियां मनाई, जिसके बाद कसारेडी वार्ड के नव निर्वाचित पार्षद प्रीति गीते को बधाई देने का तांता लगा रहा। जनता का प्यार, भैया और दीदी लोग का प्यार मिला है। बस सबका आशीर्वाद है। माननीय श्री अरुणा जी का आशीर्वाद है, शिवा भैया का आशीर्वाद है, दीदी का है, शासन का है, जनता का है, जो मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। जो उनकी अधूरी समस्याएं जो भी है वार्ड की, उनको पूरा किया जाएगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं, ये थोड़ी समस्या है, उसको पूरा किया जाएगा। अपने वार्ड को, अपने शहर को परिवार के रूप में लेके चला और हमने दुर्ग शहर में और प्रदेश में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाया, पर बीजेपी ने यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पर हमारे वार्ड की जनता ने सजगता और सहनशीलता का परिचय देते हुए विकास के लिए, भाईचारे के लिए प्रीति गीते जी को अपना वोट किए और आज चौथे राउंड में आप देख रहे हो कि हम 500 से भी अधिक मतों से आगे हैं और आने वाले 4 महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। भरोसा है, विश्वास है भूपेश बघेल पर और पुनः फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल किसान के बेटे ने जब से थामा है, तब से आपने देखा होगा कि लोगों ने बोलना चालू कर दिया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और जो भूपेश बघेल ने जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़, मुझे बोलते हुए कहीं भी कोई संकोच नहीं होता कि भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में नया इतिहास गढ़ने का काम किया है। उसने 15 साल बीजेपी का गवर्नमेंट में रही है पर उन्हें राजगीत नहीं बना पाए। आते ही साथ किसानों का कर्जा माफ और उसके बाद राजगीत। आज कितना गर्व होता है जब हम खड़े होकर गाते हैं, अरपा पैरी के धार, महानदी के कछार, जय हो मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत ही रोमांचक चुनाव था, क्योंकि जिस तरह लोगों ने भ्रमित करके रखा था कि इस बार कांग्रेस उपचुनाव में नहीं आएगी, परंतु हम जनता के ऊपर विश्वास करते हैं और वहाँ के मतदाताओं पर विश्वास करते हैं, और मतदाताओं ने भरपूर विश्वास हम लोगों को दिया, आज प्रीति गीते को जिताया। मनी गीते जी जब बीमार थी, उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना सर निछावर कर, एक जब मतदान का एक समय आया था, उन्होंने वहाँ पे अपना मतदान दिया था और उसके बाद ही जब उनको अटैक आया, जब उसके पहले ही अटैक आया था और उनको अस्पताल में एडमिट करना था, तो अस्पताल ना जाके पहले बोली मेरा एक मतदान मेरा बहुत मायने रखता है, मतदान करके ही मैं अस्पताल में जाऊँगी, और वो उसके बाद ही उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद ही उनका देहांत हुआ था। हम ऐसे सर्वोपरि लोगों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ऐसे व्यक्तित्व की धनी मनी गीते की जो बहू है हमारी प्रीति गीते, उनको टिकट दिया गया है और कहीं से किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं लोग बोल रहे थे परिवारवाद है परिवारवाद है, परंतु ये परिवारवाद नहीं है। यहाँ एक महिला की बात थी और उस महिला का न्याय मिलना जरूरी था मनी गीते जी को, उस न्याय को दिलाने के लिए ही इस परिवार में प्रीति गीते को टिकट दिया गया। और मैं माननीय अरुण वोरा जी, भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि
जब से हमारी सरकार आई है तो हर तरफ विकास की धारा बह रही है। आप देख रहे होंगे सर्वोपरि विकास धारा छत्तीसगढ़ में, और यहाँ की बातें निकल करके बाहर भी जा रही हैं तो लोग भूपेश बघेल से पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कार्य कर रहे हैं कि जो कार्य हम लोग नहीं कर पाए। 20 सालों में यहाँ रमन सरकार ने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किए। हम जानते हैं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार रहेगी और हम इससे और अच्छा बड़ा काम करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।